जय और वीरू की दोस्ती अटूट थी। वो दोनों हर काम मिल बांट कर करते थे। अरे वीरू, मुझे जरा उठा दो, वो आम तोड़ना है मुझे, अभी आया। वीरू शरीर से बलवान था और जय बुद्धि से, और दोनों एक साथ मिलकर बहुत ही शक्तिशाली थे। वीरू दिन भर कसरत करता रहता। अरे अब तक तेरी कसरत खत्म नहीं हुई? अरे बस थोड़ी सी बची है, तब तक तो मंदिर में भोजन खत्म हो जाएगा। क्या मंदिर में भोजन है? हाँ, सुना है किसी बड़े आदमी की मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए उसने मंदिर में अच्छे अच्छे पकवानों का भोजन रखा है। क्या बात कर रहा है, चल जल्दी पकवान मिले और मैं ना खाऊं, भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? वही तो, चल। दोनों मंदिर में भोजन के लिए बैठ गए और पकवानों का आनंद उठाने लगे। वीरू का जैसा शरीर था वैसे ही वो खाना भी खाता था। मेरा तो हो गया, इतनी जल्दी? हाँ, मेरा तो अभी शुरू हुआ है, अब तो मैं और खाऊंगा। हाँ हाँ, खा ले, मैं यहीं बैठा हूँ। जितनी चीजें वीरू की थाली में परोसी जा रही थी वो सब वो झट से चट कर जाता। कई लोग खाकर उठ गए, नए लोग बैठ भी गए, पर वीरू अब भी भोजन ही कर रहा था। आखिर एक घंटे के बाद उसका भोजन खत्म हुआ। चल बे, अब चलते हैं। तेरा पेट भर गया ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर दोनों दोस्त वहाँ से निकल गए। वो लोग वीरू के घर के बाहर बैठे थे। मुझे अब तक कोई काम नहीं मिला, ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसलिए मैं तुझसे कहता था, पढ़ाई लिखाई के बदले थोड़ी सी कसरत कर ले, अगर तेरा भी शरीर मजबूत होता तो तुझे कोई ना कोई काम मिल ही जाता। मुझे तेरे जैसी मजदूरी नहीं करनी, कम से कम मेरे पास काम तो है। क्या फायदा हुआ तेरी इतनी पढ़ाई का जब तेरे पास कोई काम ही नहीं है? अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। जब भी जय अपने घर जाता तो उसकी पत्नी उसे काम के लिए ताने मारने लगती। लगता है आज भी तुम्हें कोई काम नहीं मिला। मैं ढूंढ तो रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी मिल जाएगा। यही मैं कितने दिनों से सुन रही हूँ, अब तक तुमने कोई काम नहीं किया है। मैं ढूंढ लूंगा। और जय गुस्से में अपने घर से बाहर निकल गया और यहाँ वीरू की पत्नी उसे सुना रही थी। पता नहीं किस भूखकर से शादी हो गई मेरी, दिन भर बस खाना बनाती रहती हूँ, वो भी तुम्हें कम पड़ता है। जितनी तुम्हारी पगार है ना, उतने में यही बहुत है, और ऊपर से तुम्हारी मांगे, पराठे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो तुम क्या चाहती हो? यही कि तुम और पैसे कमाओ, वरना तुम्हारे खाने की मांगे मैं पूरी। दोनों दोस्त एक ही पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, क्या होगा फिर से पत्नी की किटकिट? मेरा भी वही है। मेरे पास एक तरकीब है, हमारे गांव की जड़ी बूटियों की शहर में बहुत मांग है, क्यों ना हम ये जड़ी बूटियां शहर में बेचें? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चलो कल ही चलते हैं, कम से कम कुछ दिनों के लिए पत्तियों का मुंह बंद हो जाएगा। बिल्कुल। अगली सुबह जय और वीरू दोनों जड़ी बूटियों की टोकरी लेकर पैदल निकल पड़े। शहर काफी दूर था, लगभग दोपहर के 12 बजे वो लोग शहर पहुँचे और वो एक व्यापारी के पास गए। अरे सेठ जी, ये देखिए हमारे पास ताजी जड़ी बूटियाँ हैं। उस सेठ ने कुछ जड़ी बूटियाँ सूंघी। वाह, ये तो बहुत उम्दा है, क्या नाम लोगे तुम लोग? अब छोटा मुँह और बड़ी बात सेठ जी, आप बताइए आप क्या दाम देंगे? ये दो टोकरियाँ हैं, कम से कम सब मिलाकर 20 किलो तो होगा ना? नहीं नहीं सेठ जी, एक टोकरी 15 किलो की है। ठीक है, एक किलो का 200 रुपए दे सकता हूँ। जय और वीरू ने एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है सेठ जी, हमें मंजूर है। सेठ के नौकर ने टोकरियों का वजन देखा तो एक टोकरी का वजन 15 किलो था। 20 किलो के 6,000 रुपए, ये लो। धन्यवाद सेठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। 6,000 रुपए कमाकर दोनों बहुत खुश थे। रास्ते में दोनों बातें कर रहे थे। ये
व्यापार तो बहुत अच्छा है। 2000 की जड़ी बूटियों के हमें 6000 मिले, मतलब 4000 का मुनाफा। हाँ बिल्कुल, 2000 मेरे और 2000 तेरे, ये ले। इन बचे हुए 2000 से हम अगली बार वापस जड़ी बूटियाँ खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते गांव लौट रहे थे। वो लोग रास्ता भटक गए तो और शाम हो चुकी थी। मुझे लगता है हम लोग रास्ता भटक गए हैं। क्या? अरे पर मुझे बहुत भूख लगी है, इस जंगल में खाने को खाना कहाँ मिलेगा? थोड़ा और चलते हैं, कोई ना कोई गांव मिल ही जाएगा। ठीक है देखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गांव मिला। रुक, मैं अभी उस गांव से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। मैं जाता हूँ। तू नहीं, मैं जाता हूँ। मुझे देख कर डर कर वो लोग खाना दे ही देंगे। वीरू अपनी ऐंच में गांव के अंदर गया और एक घर के अंदर घुस गया। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। कौन हो तुम और मुझसे खाना क्यों मांग रहे हो? पता नहीं कहां-कहां से चले आते हैं लोग। तुम लोग खाना देते हो या यही तुम्हारा सर फोड़ दूं? अरे बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, ये आदमी हमें मारने की धमकी दे रहा है। उस औरत की चीख सुनकर गांव वाले वहां जमा हो गए और अपनी लाठियों से वीरू को पीटने लगे। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। वीरू दोम दबाकर वापस भाग गया। ये देख उन लोगों ने मेरा क्या हाल किया, मैंने तो बस खाना ही मांगा था। तूने जरूर धमकी दी होगी, अब तू यहाँ बैठ और देख। जय उसी घर के बाहर गया। कौन हो तुम? क्या तुम भी उस पागल आदमी के दोस्त हो? मैं उसी का दोस्त हूँ। वो दरअसल हम शहर से अपने गांव लौट रहे थे पर रास्ता भटक गए, हमें बहुत भूख लगी है। तो तुम भी खाना मांगने आए हो? नहीं नहीं, मैं तो खाना खुद बना लूंगा, मुझे बस आग और एक बर्तन चाहिए पकाने के लिए। लेकिन तुम पकाओगे क्या? जय ने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। मैं ये पत्थर का खाना पकाने वाला हूँ। क्या भला पत्थर से कोई खाना बनता है क्या? ये पहली बार सुना है मैंने। यकीन नहीं है तो मुझे आग और बर्तन दो, मैं बना कर दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। गांव वालों ने आग और बड़े बर्तन का इंतजाम किया। जय ने बर्तन में पानी डाला और उसमें वो पत्थर डाल दिया। कुछ देर बाद पानी गर्म हो गया। अगर थोड़ा आलू मिल जाता तो मजा ही आ जाता। हाँ हाँ मैं देती हूँ। वो औरत आलू लेकर आई। जय ने हंडी में आलू डाल दिए। और थोड़ा चावल भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। मैं देती हूँ चावल। दूसरी औरत ने चावल दिए। जय ने हंडी में चावल भी डाल दिया। कुछ देर बाद और थोड़ी दाल और नमक भी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं। तीसरी औरत ने दाल और नमक लाया। जय सब कुछ हंडी में डालकर उन्हें मिलाकर पकाने लगा। कुछ देर बाद हंडी की खुशबू फैलने लगी। लगता है पक गया है। इस बीच जब गांव वालों का ध्यान नहीं था तब जय ने हंडी से पत्थर निकाल दिया। मेरा खाना तैयार है, मैं अपने लिए और अपने दोस्त के लिए खाना लेता हूँ, बाकी आप लोग खा लीजिए। जय ने छोटे घड़े में अपने और अपने दोस्त के लिए खाना ले लिया। आप सबके लिए काफी खाना है। उसके जाते ही गांव वाले पत्थर का खाना चखने लगे। मुझे नहीं पता था कि पत्थर से इतना स्वादिष्ट खाना बनता है। हैं, इस आदमी ने तो चमत्कार कर दिया। गांव वाले हैरान थे और जय बहुत खुश था। जय अपने दोस्त के पास पहुंचा। देखा मेरे दिमाग का कमाल। हाँ हाँ, और मैं ये भी समझ गया कि बल से ज्यादा बुद्धि बल होता है। अब जल्दी से मुझे खाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है, ये भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ मैं जानता हूँ, ये ले खाना।